जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम आ गए अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। और यहीं पे फ्रेंड हम आपको कोरल ड्रॉ ओपन करके सिखाएंगे कि कैसे आप किसी भी प्रकार का बैकग्राउंड उसको आप बना सकते हैं। तो चलिए हम कोरल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कोरल ओपन कर लिया और देख सकते हैं हमने यहाँ पे बैकग्राउंड बनाया हुआ है पीले कलर का। और इसको फिर हम दूसरे कलर में बनाना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए मैं इसको साइड रख लेता हूँ और एक यहाँ पे बॉक्स तैयार करता हूँ। यहाँ पे देख सकते कि हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया और इसको हम बनाएंगे ग्रीन कलर में। तो हम यहाँ पे इसको ग्रीन कलर फिल कर लेंगे। यहाँ पे इस पर ग्रीन कलर फिल करने के बाद फिर आप यहाँ पे कोई भी एक आप सर्कल ले सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरीके से सर्कल ले सकते हैं या किसी भी प्रकार से आप सर्कल ले सकते हैं यहाँ पे। और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा और इसको हम रख लेते हैं सेंटर पे। और इसको फिर हम करेंगे हल्का सा लाइट इसको और इसका आउटलाइन हम नम कर लेंगे यहाँ से। और इसको फिर हम करेंगे इस वाले टूल से, आप देख सकते हैं ये वाले टूल पर निकल के आप इसको कर लेंगे वन साइड से थोड़ा सा डार्क एक तरफ से टच लाइए। तो यहाँ इस तरीके से हमारा ये हो गया, देख सकते। और ये हम कर लेते हैं इफेक्ट में जाकर इसको और क्लिक कर लेंगे अंदर। अंदर कॉल क्लिक करने के बाद फिर हम इसको सेटिंग करेंगे जैसे कि आप देख सकते। हमारा ये आवाज़ थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि फ्रेंड हम बनाते तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा रहता है, इसके वजह से थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा था आवाज़। तो यहाँ से चलिए हम देख लेते हैं, इसको हम इस तरीके से रख लेते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से हम कुछ डिजाइन को बनाए और अब देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये तैयार हो गया। यहाँ पे ये थोड़ा है, ये थोड़ा लाइट है। और यहाँ पे फिर हम थोड़ा सा और सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देख सकते एक सर्कल हम थोड़ा सा ड्रॉ करें यहाँ पे और इसको हम हल्का छोटा करेंगे और इसके अंदर ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे इससे हल्का सा लाइट कलर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से फिर और इसको भी हम करेंगे इस प्रकार से और इसका आउटलाइन भी हम यहाँ से नाम कर लेंगे। तो आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं इफेक्ट हमारा तैयार हो गया। और यहाँ पे देखिए हमारा कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। और ये जो लाइनिंग आप देख सकते हैं, ये जो लाइनिंग है ये वाली आप इस पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेम करिए एक हम यहाँ से एक सो गाइड चलिए यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। आप ये लाइन देख सकते हैं, आप इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। और उसके बाद फ्रेंड आप यहाँ देखिए कहाँ गया, इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा राउंड करेंगे इस तरीके से, आप देख सकते कुछ इस तरीके से राउंड किए। आप किसी भी तरीके से आप राउंड कर सकते हैं इसको। और इसको हम यहाँ पे डबल क्लिक करके कर्सर को यहाँ पे रखेंगे और इसको हल्का सा रोटेट करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आप कंट्रोल डी दबाएंगे तो आप कुछ इस प्रकार दिख जाएगा, इस तरीके से आपका एक डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। और इसको हम वाइट कलर से करते हैं। हम यहाँ पे पूरे को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको हटा लेते हैं, इसको पूरे को सेलेक्ट करते हैं और इसको हम वाइट कलर करेंगे। देख सकते कुछ इस तरीके से हमारा बन के रेडी हो गया यहाँ पे। और इसको तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बना कर रखी। और इसको हम इस कलर फिल करेंगे और यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर करेंगे यहाँ से। और इसको हम ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल जी दबा के हम ग्रुप कर लेंगे और यहाँ पे हम लगाते हैं इस तरीके से। और इसको हम बड़ा कर लेंगे और इसको हम रखेंगे फिर ग्रीन कलर रखेंगे पर डार्क रखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं
यहाँ पे हमने डार्क कलर हसन निकालते हैं, ये देख सकते हैं बिल्कुल डार्क है। और इसको फिर हम यहाँ से पावर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पावर क्लिक करिए, अब देखते कुछ इस प्रकार से मेरा डिजाइन रेडी हो गया। और यहाँ पे हम इस तरीके से मेरा डिजाइन रेडी हो गया। और इसमें फ्रेंड हम स्टार वगैरह देंगे तो आप स्टार यहाँ से लगा सकते हैं, जैसे कि ये स्टार मैंने यहाँ पे दे दिया और इसको थोड़ा सा अच्छा स्टार बना देते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से आप स्टार लगा सकते हैं। जितना दिन करके फ्रेंड आप काम करेंगे उतना आपको बनाने में कोई भी डिज़ाइन बनाने में आपको अच्छा लगा। तो यहाँ पे चलिए हम स्टार लगाते हैं, ये देखिए हमें यहाँ पे स्टार लगाना चालू कर दिया है। और इसे हल्का सा छोटा करेंगे हम, फिर इसे हल्का सा छोटा करेंगे, इससे हल्का सा छोटा करेंगे, फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पे इससे हल्का छोटा करेंगे। अब देख सकते कुछ इस प्रकार से हमारा इसे रेडी हो रहा है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा व्हाइट कलर रखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरीके से फिर कर सकते हैं अपने कलर वगैरह को। तो यहाँ पे हम इस वाले कलर को कर देते हैं और इसको फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से फिर दे देंगे। तो ये हमारा इसको हम वाइट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये रेडी हो चुका है। और यहाँ पे हम इस वाले को बस करना चाहते हैं, तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। तो अभी कुछ इस प्रकार से हमारा डिज़ाइन रेडी हो रहा है। तो आप भी फ्रेंड इस प्रकार से डिज़ाइन बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो फिर अगर ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और आपने अभी तक के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड उस पर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और फिर सबसे पहले आप उसका लाइक करें। तो यहाँ पे चलिए एक सर्कल और ड्रॉ करते हैं और ग्रीन वाले में से एक हम लाइट कलर निकालते हैं ग्रीन वाला, और इसको हम इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से इसका आउटलाइन मैं कर लेते हैं। और इसको हम पावर क्लिक करेंगे इसके अंदर, तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से फ्रेंड आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी एनीवे कुछ भी आप डाल के इसमें कैसा भी आप ब्लेंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा रेडी हो गया। या कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं या किसी भी प्रकार से कोई भी कलर आप डाल सकते हैं यहाँ पर रखिए, जैसे कि आप पीला डाल दिए यहाँ पर, पीला डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा डार्क डाल दिए, यहाँ पे रेड डाल के देख लेते हो तो ये पीले को काफ़ी बेटर लग रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया है। तो फ्रेंड आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और फिर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि फिर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा उस पर रनिंग से रिलेटेड तो उसका आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा फिर, और उसमें आप अच्छा खासा पैसा उस वीडियो के माध्यम से आप कमा सकते हैं। तो यहाँ देखिए बस इस तरीके से रेडी हो गया है फिर। तो यहाँ पे हम एक फ्रेम को और ऐड करके इसको से इधर कर लेते हैं, इसको से करके देखते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से भी हमें अच्छा दिख रहा है। और एक इसको लगाते हैं वाला यहाँ पे भी लगा देते हैं और इसको फ्रेम हम यहाँ से पीला करेंगे कलर को, इस वाले कलर को हम पीला डार्क में पीला करेंगे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर पीला तो आप देख सकते कुछ इस तरीके से हमारा दिखेगा। तो आप भी इस तरीके से बना सकते फ्रेंड, काफ़ी आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। कोई बैकग्राउंड हो गया, किसी प्रकार का बैकग्राउंड हो गया, आप उसको बना के अच्छे तरीके से आप लगा सकते हैं अपने कोई किसी भी मैटर के अंदर। तो यहाँ पर इसका मैं सीडीआर आपको दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।
आप जाइएगा वहाँ से, इसको डाउनलोड करिएगा और अपने यूजफुल में ला लीजिएगा अगर आपको डिजाइन पसंद आएगा तो। और फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक के लाइक नहीं किया तो। तो इन दोनों का मैं CDR फाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना जाके, वहाँ पे फिर मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा अर्निंग करने के लिए। आप मोबाइल फ़ोन से पैसे कमा सकते हैं, अपने लैपटॉप से पैसे कमा सकते हैं, आप अपना खाली टाइम का यूज करके आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो दूसरे वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नहीं तो एक बार डाटा विजिट जरूर करिएगा उस चैनल पे। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में कोई नए डिजाइन के साथ, जब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल गंगा प्रिंटिंग प्रेस में।